अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और आज मैं आपके लिए सुजुकी के न्यूली लॉन्च GSX-R 600 का रिव्यू लेके आया हूँ, जिसको उर्फ़े आम में जिक्सर 600 भी कहा जाता है। इससे पहले पाक सुजुकी 1300cc GSX-R जिसको हायाबुसा कहा जाता है वो लेके आया था और 2018 में पहली बारी GSX-R 600 को पाकिस्तानी मार्केट के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया। इस बाइक के कलर कम्बिनेशन में एक खास बात यह है कि सुजुकी की जो ट्रैक टीम है मोटर जीपी में वो इसी कलर कम्बिनेशन को यूज़ करती है और ये बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इस बाइक को एक राइड पे लेके जा रहा हूँ और आपसे शॉर्टली शेयर करूँगा मेरी जो भी इसके बारे में फाइंडिंग है। GSX-R 600 की जहाँ तक मनूवरिंग और हैंडलिंग का ताल्लुक है तो मुझे ये बाइक बहुत ही पसंद आई। एक तो ये बाइक बहुत लाइट वेट है, इसकी मनूवरिंग पाकिस्तानी रोड्स पे जो कि ऊपर नीचे हैं और अक्सर यहाँ पे खड्डे मौजूद होते हैं, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए बड़ा इजी टू मनूवर थी और हैंडलिंग भी बाइक की बहुत अच्छी थी। बाइक के अंदर क्योंकि 4-स्ट्रोक डबल हेड ओवर कैम शाफ्ट 16 वॉल्व का इंजन है जिसके अंदर एक ऑप्टिमल पावर है, ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन देता है ना ही बहुत कम देता है, तो मेरे ख्याल से ये जस्ट परफेक्ट आपको पावर देता है और किसी भी बिगनर के लिए जो पहली दफ़ा किसी हैवी बाइक को चला रहा है ये बाइक चलाना एक ट्रीट है। बाइक की एक्सेलरेशन भी बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ बाइक की सस्पेंशन भी बहुत अच्छी है। बिकॉज मैंने ये रिव्यू एक बम्पी रोड पे भी किया था बल्कि टफ टाइल के ऊपर भी किया है, बट बाइक की राइड बहुत स्मूथ थी। इसके अलावा GSX-R 600 के अंदर ब्रेम्बो ब्रेक्स आती हैं और मेरे ख्याल से 600 कैटेगरी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो डुकाटी के अलावा और किसी बाइक में ब्रेम्बो ब्रेक्स नहीं आती। सो GSX-R 600 इस लीग में वाहिद बाइक है डुकाटी के अलावा जिसमें ब्रेम्बो ब्रेक्स आती हैं। जहाँ तक बाइक के मीटर और इंफॉर्मेशन क्लस्टर का ताल्लुक है, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी बाइक में सबसे पहले, जो कि मैं हर बाइक में करता हूँ, बाइक के अंदर फ्यूल की लाइट आती है, इंडिकेशन है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पाकिस्तान में देखें लोग जो है ना बाइक के फ्यूल से बड़ा परेशान होते हैं कि इसमें फ्यूल है या नहीं है। सो GSX-R 600 में फ्यूल इंडिकेटर भी है। उसके अलावा अगर आप इस मीटर में एक चीज़ नोट करें, एक तो इसके अंदर आपके अंदर आपको गियर इंडिकेटर बताता है कि आप कौन से गियर में बाइक को चला रहे हैं और साथ साथ आपको ऑप्टिमल रेंज, जो आपने बाइक के दो मोड्स हैं ए मोड और बी मोड, उस पर आपको जिस RPM पे गियर चेंज करना है उस पर वो एक और लाइट ब्लिंक कर जाती है मीटर के अंदर, जो कि आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर कह सकते हैं आप उसको, वो है। अब मैं आपको इसके दो मोड्स के बारे में बताता हूँ। इसमें दो मोड्स हैं ए और बी मोड। ए मोड जो है वो बिट एग्रेसिव मोड है, अगर आपने बाइक के अंदर से ऑप्टिमल आउटपुट लेनी है तो आप उसको ए मोड में चलाएंगे। उसमें होगा ये कि बाइक आपको हायर एफ के ऊपर जाके गियर शिफ्ट का इंडिकेटर देगी और आप गियर शिफ्ट करेंगे जो बड़े क्विकली आपको ए मोड एग्रेसिव मोड के अंदर अगले गियर के अंदर ले जाएगा और बाइक की एक्सेलरेशन इफेक्ट नहीं होगी। एज अपोज टू दिस जो दूसरा मोड है बी मोड, वो थोड़ा मेलो डाउन मोड है और वो अगर आप लग से आप स्लिपरी सर्विस पे चला रहे हैं या किसी ऐसी सर्विस पे चला रहे हैं जहाँ पे फिसलने के चांसेस है या आपको उससे थोड़ी लेस ऑप्टिमल आउटकम चाहिए तो आप बी मोड सेलेक्ट करके बाइक को चला सकते हैं, जो कि मॉडरेटली चलेगी, येट उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पीक लेवल पे नहीं होगी बट फिर भी एक आम बाइक से बहुत बेहतर होगी। ए मोड में आपको 100% जो है थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलेगा जबकि बी मोड में थ्रॉटल रिस्पॉन्स 50 नहीं तो 75% तक आ जाएगा और पाकिस्तानी कंडीशन को देखते हुए रोड्स के ऊपर मेरा ख्याल है अर्ली बिगनर्स के लिए जो बी मोड है दैट इज़ अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद और आहिस्ता आहिस्ता जो ही आपकी उसमें हैंडलिंग बेहतर होती है बाइक पे आप उसको ए मोड में चलाना शुरू कर दें। इसके अलावा सुजुकी की बाइक्स का पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज सारी मिल जाएंगी जिनमें आपको इसके एग्जॉस्ट, इसके फेंडर फ्लेयर्स, इसके क्रैश प्रोटेक्टर्स और डिफरेंट एसेसरीज मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। तो जो भी बंदा सुजुकी की हैवी बाइक लेगा उसके लिए यहाँ पे पार्ट्स और एक्सेसरीज ढूंढना कोई मसला नहीं है। सुजुकी का नेशन वाइड नेटवर्क भी है जो इसको उस प्रमोट करेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा पार्ट्स में। तो मेरे ख्याल से पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और सुजुकी का नेशन वाइड नेटवर्क जो है वो इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। जहाँ तक बाइक के 0 to 100 का ताल्लुक है, हमने इसको चेक किया और मेरी राइड के मुताबिक ये 3.3 सेकंड आता है। याद रहे कि ये वैल्यू जो हम हमेशा करते हैं और मैं कमेंट सेक्शन में देखता भी रहता हूँ, लोग काफ़ी लड़ाई करते हैं इस फिगर के ऊपर 0 to 100 के ऊपर, ये हर बंदे की अपनी ड्राइविंग के ऊपर और ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर वेरी भी करता है। सो जो हम लोग इंटरनेट से नंबर निकालते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने बहुत अच्छे नंबर निकाले हैं, वो आइडियल कंडीशन के अंदर होते हैं। हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर, रोड और हर चीज़ का डिफरेंस अगर हम बीच में डालें तो हम आपको जो 0 to 100 की फिगर देते हैं वो रियलिस्टिकली जो हमने रोड पे असल में टेस्ट किया होता है वो होता है। सो दीज आर नॉट नंबर्स विच आर कमिंग फ्रॉम इंटरनेट, इनफैक्ट ये वो नंबर हैं जो कि हम प्रैक्टिकली चला के आपको देते हैं, वरना तो कोई भी बंदा 0 to 100 इंटरनेट पे गूगल करके निकाल सकता है।
टाइम है वर्डेड का, लेकिन उससे पहले सबसे पहले पीस ऑफ एडवाइस तमाम बाइकर और राइडर्स के लिए कि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहते हैं और इस लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं अपनी मशीन्स के साथ, तो सेफ्टी गियर पहने, और सेफ्टी गियर जो है वो श्योरिटी करेगा कि अगर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आपका जो डैमेज है वो मिनिमम हो। नंदलेस आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल आपको बचा लेगा, लेकिन आपके सर्वाइवल के चांसेस और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ऑलवेज वेयर योर सेफ्टी गियर बिफोर राइडिंग, राइडिंग शूज, सेफ्टी गियर, और जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको हमेशा अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखना है और उसके बाद कोई और चीज़ आती है। सो कमिंग टू द बाइक, सुजुकी के बाइक पाकिस्तान में हमेशा से इसलिए ज़्यादा मशहूर रहे हैं बिकॉज ये बाइक जो हैं हमारे वेदर के लिहाज से बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। एक तो इनको ठंडे बाइक भी कहा जाता है बिकॉज ये बाकी तमाम लीग के जितने बाइक हैं उनमें से सबसे कम इनमें हीटिंग प्रॉब्लम आती है। हमारे जैसे हॉट क्लाइमेट वर्जन में ये चीज़ बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अभी इस बाइक को मैं राइड करके आया हूँ और इसमें गर्मी भी, अभी अगर आप देखें तो इस टाइम सुबह का टाइम है, धूप निकली हुई है, बट मुझे कोई इस बाइक में से कोई ऐसी हीट फील नहीं हुई जो मुझे एक बाइक चलाने में प्रॉब्लम दे। एज अपोज टू दिस, अगर आप यामाहा R6 या कावासाकी 636 चलाएंगे तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो आपको आती है और हीट का प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फील होता है। सो उस लिहाज से एक ठंडा बाइक है, ईजी टू मनूवर है, बाइक की हैंडलिंग बहुत ईजी है, पावर ऑप्टिमल है, एंड फॉर फर्स्ट टाइमर जिसने पहली बार हैवी बाइक पर शिफ्ट करना है फ्रॉम 150cc, आई थिंक वन शुड गो फॉर 600cc, और बल्कि इनफैक्ट बाहर के मुल्क में तो आपको लाइसेंस भी कैटेगरी वाइज मिलते हैं, बट वी आर लकी इनफ कि हम डायरेक्टली, मेरे जैसा आदमी 1300cc पहले, सबसे पहले मैंने बाइक ही 1300cc चलाया था, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग, वन शुड गो स्टेप बाय स्टेप। सो मेरे ख्याल से एज अ फर्स्ट स्टेप, हूएवर वॉन्ट्स टू बाय अ फर्स्ट हैवी बाइक आफ्टर 150cc, GSXR 600 इज़ अ बेस्ट चॉइस। एक और चीज़ जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि शायद यामाहा R6 या और जो बाइक्स हैं वो इससे तेज़ हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है, आप जाके नेट पे भी कंफर्म कर सकते हैं। परफॉर्मेंस फिगर्स में GSXR सीरीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सबको आउट परफॉर्म करती है। टू स्टे ट्यून्ड विद ऑटोमोटिव न्यूज़, वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन आती रहे। इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक देने के लिए नीचे कमेंट करें, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट एंड फीडबैक टू इंप्रूव आवर वीडियोस।